हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आई विल टीच यू सब्जेक्ट एस 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 में आज मैं आपको चैप्टर नंबर 13 एक्सप्लेन करूंगी। सो लिसन केयरफुली। एयर मीन्स हवा। एयर मीन्स हवा। एयर इज़ एवरीवेयर। एयर सब जगह होती है ना, येस और नो? यस, एयर इज़ एवरीवेयर। वी नीड एयर टू लिव। हमें जीने के लिए हवा चाहिए, येस और नो? यस, हमें जीने के लिए हवा चाहिए। बिना हवा के हम रह सकते हैं? नो। प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव। प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल ऑल्सो नीड एयर टू लिव। प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल को भी जीने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए। क्या चाहिए? एयर चाहिए। वी कैन नॉट सी एयर। एयर हमें दिखाई देती है, येस और नो? नो, एयर हमें दिखाई नहीं देती है। वी कैन फील एयर। वी कैन फील एयर। एयर हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं नहीं देख सकते। वी कैन फील एयर। वंस अगेन हम रीड करेंगे। एयर इज एवरीवेयर। वी नीड एयर टू लिव। प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड एयर टू लिव। वी कैन नॉट सी एयर। वी कैन नॉट सी एयर। वी कैन फील एयर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर रीड करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज दे रखी है तो इसमें ये वन नंबर नहीं करना है। और एक्टिविटी, टेक अ बलून एंड ब्लो एयर इनटू इट, टेल व्हाट हैपन व्हेन द एयर कम्स आउट। जब हम बलून में एयर भरते हैं फिर उसको आपको वापस बाहर लानी है और देखना है कि क्या महसूस होता है। ओके, व्हाट हैपन व्हेन द एयर कम्स आउट, जब एयर बाहर आती है तो कैसा लगता है वो आपको देखना है। ये आपकी एक्टिविटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये चैप्टर नंबर 16 एयर रीड करना है और इसकी एक्टिविटी करनी है। थैंक यू।